जैनब, हाँ आ रही हूं। जैनब, जैनब तुमसे कितनी मर्तबा कहा है कि टेबल पे आने से पहले कम से कम मेरे कप में चाय डाल दिया करो। तो कहाँ हैं ये लड़कियां? चार दफा जा चुकी हूँ, उठाने उठ ही नहीं रही हैं। तो जिम्मेदारी है तुम्हारी, कोई एहसान थोड़ी कर रही हो। खतीजा से कहो मुझे अपने सेमेस्टर का रिजल्ट दिखाए, तुमने तो चेक नहीं किया। जो देखो वो उठी है या नहीं, मैं ताकि जाते हुए ड्रॉप कर दूं। सुस्ती इतनी सुस्ती, पता नहीं किस किस्म की तबीयत कर रही हो तुम। आयशा कब तक तैयार होती रहोगी, मुझे भी तैयार होने दो। अरे मुझसे पहले क्यों उठी हो तुम, चलो जाओ मैं तैयार हूँ। मेरी बात सुनो, रोज ना मामा को तुम्हारी वजह से डांट पड़ती है, तुम लेट करती हो, मुझसे पहले तो तुम उठती हो ना। हे क्या कर रहे हो बाबा, इंतजार कर रहे हैं नाश्ते की मेज पे, तुम लोगों के मेकअप खत्म नहीं हुए। ये इस खतीजा को बोले, पूरा दिन तो सोती पड़ी रहती है, एंड में आके मुझ पे चीखती रहती है, इतनी देर लगाती है। हाँ कितनी बार कहा बड़ी बहन है आपा कहा करो। मुझसे नहीं बोला जाता ये आपा शापा, आदत डालनी थी तो बचपन से डालनी थी ना, यानी इतनी जल्दी कैसे याद आ गया, बड़ी है मुझसे। मामा आयशा बिल्कुल सही कह रही है, ये आपा वापा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप खुद बताएं मैं आपा कहीं से लगती हूँ, ये दूसरों के सामने मुझे आपा कहेगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। मैं जो पहले बोल रही थी ना मामा, बिल्कुल ठीक बोल रही थी, आपा। आयशा चुप हो जाओ तुम, क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, बाबा ने सुन लिया इतना बड़ा लेक्चर मिलेगा। अब जल्दी करो, वो ड्रॉप करेंगे वरना फिर मुझे एक टैक्सी में छोड़ने के लिए जाना होगा। जल्दी से आओ। जैनब। हाँ आ रही हूँ। तो बुलवा लेना टैक्सी, चले जाएंगे हम। मैं नहीं जाऊंगी कोई टैक्सी वैक्सी में, रोज शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे, मामा आई है ड्रॉप करने। शुक्र करो आयशा की टैक्सी में लेके जा रही है, वरना मामा हमें वैन में लेके जाती। चलो उठाओ ये। जैनब जल्दी आ जाओ, देर हो रही है भाई, मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहा है। यही बात में कर लेना, जाओ जल्दी करो जो करती हो। ओहो हो गया, तो ये भी दो। ये लड़कियां हुई हैं तैयार के नहीं? बस आ रही, बस भेजो गाड़ी में, मैं बैठा हूँ इंतजार कर रहा हूँ। आयशा खदीजा जल्दी आओ। खाने
हेलो। हाँ हाँ भाभी, मैं बोल रही हूँ। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, जल्दी से भाई से बात की आपने? नहीं नसीम, मौका ही नहीं मिला मुझे। अरे भाभी, इतने साल गुजर गए लेकिन बात करने का मौका कभी नहीं मिला आपको। आज मैं क्या उम्मीद लगा के बैठूं फिर? हवा के घोड़े पे सवार रहते हैं, मैं क्या करूं? अच्छा ये बताएं, बच्चों को तो बता दिया ना आपने, या यहाँ पर भी सुस्ती का मुजाहरा किया होगा? ऐसी बात नहीं है। अच्छा मैं फरहान से कहती हूँ। मुझे नहीं पता भाभी, कुछ भी हो रात को आप फंक्शन पे आ रही हैं। बस आएंगे हम, मैं उन्हें फोन करने की कोशिश करती हूँ। भाभी क्या मतलब, आप अभी तक कोशिश ही कर रही हैं? मेरी नंद की मंगनी है और आप? मुझे नहीं पता, आपको बस आना है शाम को। अच्छा ठीक है, बस वो मैं सोच रही थी कि भाभी भाभी मैं कुछ नहीं सुनने वाली। वैसे भी ये मेरे ससुराल वाले ना इसी इंतजार में बैठे हुए थे कि मेरे साथ कोई मसला हो ताकि ये लोग मेरी टांग खींच जाए। जलते हैं ना मुझसे? अच्छा आएंगे ना, मैंने कह तो दिया है। ओके मैं अब रखती हूँ। हाँ खुदा हाफिज़, शाम में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़। कैसे बात करूँ उनसे? बस मामा मैं खा चुकी हूँ। आज नसीम की कॉल आई थी। इस बार तो यकीनन उनका टीवी चल गया होगा। नहीं वो उसकी नंद की मंगनी है, रात को उनके घर पे तो वहाँ बुलाया। अच्छा वाओ, ये तो बहुत मजा आएगा। कहीं आपने मना तो नहीं कर दिया उनको? नहीं मैंने कहा था फरहान से पूछ के बताऊंगी। मामा लेकिन बाबा ने कौन सा हमें मना करना है? मना तो नहीं करना लेकिन पूछना तो हमारा फर्ज है ना। मामा आप जितना ध्यान अपने फराइज पूरे करने पर देती हैं ना, उतना जोर अपने राइट्स पर भी दिया करें। क्या ये क्या बात है? फिलहाल छोड़ें आप इसे, मैं बाबा से कह दूंगी कि हम जा रहे हैं, आप बस तैयारी करके रखें। रोटी खत्म कर। हाँ नसीम, नसीम हम आ रहे हैं, वो बस फरहान का इंतजार है। मैं कह दूंगी उन्हें, बस तुम फिक्र नहीं करो, हम आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी लाऊं? नहीं मुझे प्यास नहीं। भूख तो नहीं लगी आपको? क्यों आज खाना नहीं बनाया? वो नसीम की नंद की मंगनी है ना, उसने इनवाइट किया। उसकी एक फोन कॉल पे तुमने घर में खाना नहीं बनाया, ठीक है, और जाने के लिए तैयार हो गए, अब सिर्फ मुझसे इजाजत लेना बाकी रह गई। मेरे जाने या न जाने से क्या फर्क पड़ता है, मंगनी है, जाना कोई इतना जरूरी नहीं है। जाओ जाके जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बहुत भूख लगी। चेंज कर मैं ला रही। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वालेकुम अस्सलाम बाबा मेरा बच्चा। मैं कैसी लग रही हूँ? भाई बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत, हम सबसे ज्यादा खूबसूरत। थैंक यू सो मच बाबा। अब आप भी जल्दी से फ्रेश हो जाएं, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं और नसीम पापा की दो बार कॉल भी आ गई है। बेटा ऐसे करते हैं कि आप लोग चले जाओ और जाके कह दो कि बाबा बहुत थके हुए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो आराम करना चाह रहे थे। अगर आप अभी हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम किसके साथ जाएंगे? आपके मुताबिक हम लोग अभी छोटे हैं, ड्राइव भी नहीं करने दे, और मामा पर तो आपका एतमाद ही नहीं है उनको सिखा सके। अरे वक्त आने पे सब कुछ सिखा दूंगा। लेकिन आप अभी हमारे साथ चल रहे हैं बस। मेरा बच्चा प्लीज जिद नहीं करते यार। फाइन। आयशा। ओहो यार बच्चों को तो काम होता है जिद करना, लेकिन बड़ों में तो थोड़ी सी अकल होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन और खुदा का वास्ता आइंदा के बाद मेरे से पूछे बगैर कोई चीज किसी के साथ कमिट मत किया करो। जितनी बार समझाता हूँ उतनी बार ही होता है। आप जाके चेंज मेंज करें। क्या मामा बहुत मासूम हैं? क्या बाबा जानबूझकर उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं? कोई फायदा नहीं,
हर दफा यही कहती हो और हर दफा यही गलत। छोड़ो, ठीक है, आज के बाद मैं कभी आपके घर नहीं आऊंगी, आपको कभी कॉल भी नहीं करूंगी। क्या हो जाता अगर आधे घंटे के लिए आ जाते आप? अभी ससुराल वालों के सामने थोड़ी इज्जत ही रह जाती ना मेरी। अरे बाबा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है भाई। अच्छा मैं पहुंचता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आता हूँ मेरी जान, आता हूँ। ये साला कसूर ना मामा का ही है, वो बाबा से पूछती क्यों नहीं है वजह? बस हर बार जी जी करके जवाब देती रहती है। आयशा, तमीज से बात करो, खुद पर ना थोड़ा कंट्रोल किया करो, सिर्फ तुम नहीं रहती हो इस घर में। तमीज, 5 मिनट में खाना लग रही है, कपड़े चेंज करो, घर के कपड़े पहनो। चलो भाई, वो नसीम के घर जाना है, उठो। अरे मैंने खाना तैयार कर लिया। या तो इसको फ्रिज में रख दो, हम कल खा लेंगे। अच्छा 5 मिनट दे दे, मैं तैयार हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक लग रही हो तुम। है? जाना है, हाजिरी लगवानी है, लफाफा पकड़ाना है और निकल आना है। बाहर गाड़ी में बैठ के इंतजार करो। कौन? आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस। मगर आ जाओ, देर हो रही है, इंतजार कर रही है। मगर मामा, ये अगर मगर में बैठे रहे ना, सारे प्लान कैंसिल हो जाएंगे, इससे पहले कि बाबा का मूड बदले। उठो चलो। भाभी, ये क्या? आज तो कुछ अच्छे कपड़े पहन के आने थे आपको। मतलब किसी खास मौके की भी कोई अहमियत होती है। मैंने अपने ससुराल वालों के सामने ना आप लोगों की एक इमेज बनाई हुई है। अगर वो भाभी को इस तरह के सादे कपड़ों में देखेंगे ना, तो मुझे बातें सुनाएंगे। सारी बनी बनाई पे पानी फिरा दिया। वो बाबा जल्दी कह रहे थे, वरना हम सब तो तैयार होकर आते। हाँ बेटा, मसरूफ होंगे ना, टाइम नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं, आए भाभी। ले आई हूँ मैं बना के नवाबजादी के लिए। अच्छा गुना तो बंद करो। आयशा, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने मुंह खोलने की वहां पर? हाँ तो मामा ने तो मुंह खोलना नहीं था, मैंने सोचा मैं ही खोल लूं। अपनी बकवास बंद करो आयशा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से बाबा को कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है वहां पर। और मामा, मामा का क्या है, उनको जो सबके सामने इतनी शर्मिंदगी हुई है वो? पता नहीं मामा अपने हक के लिए कब बोलना सीखेंगे। हक के लिए? बाबा के सामने बोलना सीख लेना बहुत बड़ी बात है। अच्छा तुम एक मेरी बात सुनो, आइंदा तुम्हें ऐसी कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आशा मुझे तो बहुत फिक्र होती है यार, तुम तो बाबा को कुछ भी कह के चली जाती हो, फिर वो हर वक्त मामा को सुनाते रहते हैं। हाँ तो मामा भी कब तक चुप रहेंगी, एक ना एक दिन वो जरूर बोलेंगी। नहीं बोलेंगी, हमेशा चुप रहेंगी, वो बाबा के खिलाफ कभी भी नहीं बोल सकती। अच्छा तुम फिक्र ना करो ना, ऐसे वाकयात एक दो और होने दो, फिर मामा खुद ही बोलेंगी। बहुत बदतमीज हो आयशा जी। अब जल्दी से बताओ कैसी बनाई है मैंने? नहीं मेहनत की है मैंने, पीने तो दो। जो तुम्हारे मेरे दरमियान बात होती है, तुम सारी बातें जाके बच्चियों के साथ डिस्कस करती हो, हैं? तो क्या सोचती होंगी मेरे बारे में? क्या मतलब? मैं समझी नहीं।
तुम कभी कोई चीज समझी हो? पता नहीं क्या कहा है तुमने, वो तो यही सोच रही होंगी कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। ओहो फरहान, आयशा की तो आदत आपको पता है, बस कह देती है जो नजर आता है। तो यही समझती है ना कि पता नहीं बाप उनका बुरा आदमी है, माँ पे जुल्म कर रहा है, टॉर्चर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दे रखा है तुम्हें, कभी किसी चीज से तरसाया नहीं, अच्छी भली इंसान की जिंदगी गुजर रही है, घर है, बच्चे हैं, सब कुछ तो है जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगी में किस चीज की कमी है? इसके बावजूद आपकी कमी है मेरी जिंदगी में फरहान, सिर्फ आपकी। अल्लाह ज़ैनब को और उसकी फैमिली को बुरी नज़र से बचाए। माशाल्लाह इतने अमीर लोग हैं, मगर ज़ैनब की सादगी मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही बड़े ज़र्फ के लोग हैं। जी जी जी, देखिए सादगी अच्छी बात होती है, लेकिन हमारी भाभी जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही सादा हैं। इंसान को इतना भी सादा नहीं होना चाहिए, वरना वो क्यों भाई? देखिए ना, सादगी में और सलीके में बहुत फर्क होता है आपा। तुमसे किसने कह दिया कि उसमें सलीका नहीं है? मैं तो कहूंगी कि अगर किसी को सलीका सीखना है तो ज़ैनब से सीखे। कितने अच्छे से अपने बच्चों की तरबियत करी, कितनी अच्छी तरह से घर को संभाला हुआ है। जो कुछ भी वो कर रही है बस ज़ैनब ही कर सकती है और कोई नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैंने तो ज़ैनब को पहली बार देख कर ही उसकी किरदार कशी कर ली थी। मैं जरा देखूं फोन पे कौन है, अभी आती हूँ। जी आपा, आप मुझे मेरे सास के सामने ही जलील कर रही हैं। और तुम जो ज़ैनब को जलील कर रही थी वो क्या था? मैं तो तुम्हें सिर्फ इस बात का एहसास दिला रही हूँ कि जैसे तुम्हारी इज्जत है ना, वैसे ही उसकी भी इज्जत है, और इसमें हम सबकी इज्जत है। बिला वजह बुराइयां ना किया करो नसीम। मैं बुराइयां नहीं कर रही थी, मैं तो सिर्फ सच बता रही थी आपको। सॉरी आपा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि भाभी बहुत गैर जिम्मेदार है। अब देखे ना भाईजान कितने चिड़चिड़े हो गए हैं उसकी वजह से। दरअसल ज़ैनब की कम उम्री में शादी हो गई थी ना, इसलिए वो एहसास कमतरी का शिकार हो गई और कुछ नहीं। हाँ मगर अब इतने साल गुजर गए हैं, अब तो समझ जाए ना। वो समझे ना समझे, तुम फरहान और ज़ैनब पे ध्यान देने के बजाय अपने घर पे ध्यान दो। आपको बड़ी जल्दी थी भाईजान को घर भेजने की। तुम्हारा मकसद तो पूरा हो गया ना नसीम। कहाँ पूरा हुआ, लिफाफा सास के सामने ही थमा दिया पूरा। मुझे तो लगता है कि तुमने यही सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ रोका था। मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। यार वो एक नई पार्टी से मिलना है, लाइक वेरी बिग इन्वेस्टर्स, और अगर ये काम हो जाए तो बहुत फायदा होगा। हाँ तो एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ बोलो। एक काम था आपसे बात करनी थी। हाँ तो करो ना बात, इतनी लंबी तमीज बांधने की क्या जरूरत है, ऑफिस में बैठा हूँ, फारिग थोड़ी हूँ। आयशा का रिजल्ट लेने जाना है कॉलेज से। तो तुम चली जाओ, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है। दरअसल वो कह रही थी कि आप चलें, मतलब हम दोनों साथ चलें। ओ अल्लाह मियां की गाय, बच्चियों को समझाना तुम्हारा काम है, अब बाहर छोटे मोटे काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं होता है। और बाय द वे वो स्कूल नहीं कॉलेज जाती है, रिपोर्ट खुद मंगवाया करो। बार बार कौन जाता फिर? या फिर एक काम करो, कल से तुम ऑफिस आना शुरू कर दो, मैं घर संभाल लेता हूँ। एक दिमाग है, कहाँ कहाँ यूज करूँ उसे मैं। हद हो गई जी, इडियट। इज एवरीथिंग ओके फॉर? हाँ बस वही,
घरों के मसले होते हैं यार। भाभी थी? हाँ छोड़। अच्छा हाँ, जहाँ तक बात है इस प्रपोजल की, तो मुझे तो इसमें बहुत दम नजर आता। जब तेरा दिल करे तो उनके साथ मीटिंग रख ले, दोनों भाई चले चलेंगे, बैठ के सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ओके चलता हूँ। चल ठीक ठीक, थैंक यू। बस मुझे बता देना फिर। सॉरी लेकिन मोहतरमा, मेरा कोई ऐसा कसूर है नहीं है। क्या मतलब है? गाड़ी चलानी नहीं आती आपको? बहुत शौक है किसी को अपनी गाड़ी के नीचे देने का? देखिए मोहतरमा, क्या देखूं मैं, क्या देखूं? आप क्या कह रही है, गलती मेरी है? देखिए थोड़ा सा कसूर आपका भी है ना। और जब आप लोग जिस सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो आप लोगों का फर्ज ये कि देखें कि कोई सामने तो नहीं आ जाए, या रोड पे चलने वाले की कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों की नजर में। ये मतलब नहीं है कि कितने का नुकसान हुआ है, मैं नुकसान भर देता हूं। It's not about money, मिस्टर। आपको पता भी है मोबाइल कितनी वैल्यूएबल चीज है, हमारी पूरी लाइफ रिवॉल्व अराउंड करती है इसे। मैं बिल्कुल ये समझता हूं बात। क्या मतलब, आप जैसे लोगों से यही एक्सपेक्ट करना चाहिए? नहीं लगना मुझे आपके मुंह, हटे मेरे रास्ते से। रिपोर्ट कार्ड लाई हो? लाई हूँ। मेरी प्रिंसिपल तो आपको और बाबा दोनों को एक्सपेक्ट कर रही थी। महीने में एक बार तो पेरेंट्स आ ही जाते हैं। आयशा, वो नलायक स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं। तुम्हें तो पता है ना कि बाबा के पास टाइम नहीं होता, वो बहुत बिजी हैं। मतलब ऑफिस के बाद भी बिजी होते हैं। मामा से इसकर दो बातें करने के लिए भी उनको टाइम चाहिए। ये तुम्हें दिन ब दिन होता क्या जा रहा है, कैसी बातें कर रही हो? एक काम कीजिएगा, जब बाबा आए ना तो उनको बोलेगा अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाल के ना मेरी रिपोर्ट कार्ड देखे और उस पर साइन कर दे। और एक और बात, उनको बोलिएगा कि उनकी दो अदद ना बेटियां भी हैं, वो भी जिंदा। बहुत ही जज्बाती लड़की है, अभी धीमी थी बिल्कुल, दो सेकंड में गर्म हो जाती। रॉकेट का नाम हतफ रखा, अबदानी या हतफ टू, ये भी सुपरसोनिक जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है। गाड़ी चलानी नहीं आती आपको? बहुत शौक है किसी को अपनी गाड़ी के नीचे देने का? क्या देखूं मैं, आप क्या कह रही है, गलती मेरी है? थोड़ा सा कसूर आपका भी है ना। और जब आप लोग जिस सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं तो आप लोगों का फर्ज ये कि देखें कि कोई सामने तो नहीं आ जाए, या रोड पे चलने वाले की कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों की नजर में। ये मतलब नहीं है कि कितने का नुकसान हुआ है, मैं नुकसान भर देता हूं। It's not about money, मिस्टर। आप जैसे लोगों से यही एक्सपेक्टेशन रख लीजिए, नहीं लगना मुझे आपके मुंह, हटे मेरे रास्ते से। दिमाग खराब हो गया आजकल की नस्ल का, न जाने किस राह पे चलने के लिए, बेवकूफ लड़की। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे मिस्टर फरहान से मिलना है। एक मिनट मैम, फरहान सर के शेड्यूल में चार दिन तक कोई डेट फ्री नहीं है। अगर आप अपना कार्ड दे दें तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। लेकिन मुझे तो अभी मिलना है उनसे। मिस मिस रुकें प्लीज।
सो यू मिस्टर फरहान। वाह 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 वाह, मैं तो तुम्हारी दीदा दिलेरी पे हैरान। कल तुम्हारी बात नहीं बनी और आज तुम मुंह उठाकर मेरे ऑफिस में चली आई सीधा। वो एक्चुअली क्या एक्चुअली, कल अपना टूटा हुआ मोबाइल दोबारा तोड़वा कर उसके पैसे बटोरने आज तुम मेरे ऑफिस चली आई हो, मैं तो तुम पे हैरान हूँ। देखिए मेरी बात सुने। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम जैसी फिजूल लड़कियों की बातें सुनूं। मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं, कल तो बड़ी डायलॉगबाजी चल रही थी तुम्हारी और आज वही मुंह उठाकर चली आई, हैरान हूं मैं तुम पे। मिस्टर फरहान, अगर मुझे पता होता कि अक्रम भाई ने आपसे नेगोशिएट करने के लिए भेजा है तो मैं कभी नहीं आती। और अगर मुझे ये अंदाजा होता कि अक्रम भाई तुम्हें भेजेंगे इस काम के लिए तो मैं उनकी ऑफर पहले ही ठुकरा चुका होता। तो फिर? तो फिर क्या? Are we going to discuss this proposal or not? मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या कि मैं तुम जैसी लड़की के साथ बैठकर मीटिंग करूंगा? Fine, go to hell. You go to hell. मिस्टर फरहान, अगर मुझे पता होता कि अक्रम भाई ने आपसे नेगोशिएट करने के लिए भेजा है तो मैं कभी नहीं आती। हेलो, हाँ वो अभी अभी एक लड़की आई है बाहर, कितने वर्ष में गई है? ओ, अच्छा ठीक ठीक ठीक। उसे भाई को क्या हो गया? इतने संजीदा हैं कि ना कोई बात करते हैं, ना हंसते हैं, ना पता नहीं, हमेशा ही ऐसे थे। हाँ ये तो है, लेकिन आपको भी ना उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? कोशिश तो कर सकती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले तो एक फुल टाइम मुलाजिम रख लें प्लीज, छोड़ दें ये घर के काम काज, खुद पे तवज्जो थे, क्या हाल बना रखा है आपने? मुझसे नहीं रखे जाते काम करने वाले लोग, ना जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, ना सफाई का ख्याल होता है। अब देखिए ना, आपकी बेटियां भी बड़ी हो रही हैं, माशाल्लाह खदीजा और आयशा सब कुछ समझती हैं, आपको भाई को बदलना तो होगा, आप कम से कम उनके लिए। ऐसे कभी नहीं होगा। अरे भाभी, औलाद बड़े बड़े को सीधा कर देती है तीर की तरह। कहाँ बिगड़े हैं वो, बस कुछ नहीं, थोड़े रिजर्व रहते हैं। क्या इश्क है, वाह वाह क्या बात है आपकी है, भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ऐसे बदमिजाज आदमी के साथ बिजनेस से दूर की बात भी करना पसंद नहीं करती। यार समझ नहीं रही हो, वो बदमिजाज नहीं है, बस काम के मामले में बदमिजाजी की हद तक सीरियस है। अच्छा, बड़ी खूबसूरती से आपने फरहान साहब के भरम को रखने की नाकाम कोशिश करी है इस बार। देखो तुम समझ नहीं रही हो, हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा ही ईमानदार और होशियार आदमी चाहिए। अच्छा हाँ। तो और क्या क्या खूबियां फरहान साहब में? अरे बाबा ये अमरीका नहीं है, यहाँ सारे काम ऐसे ही होते हैं। ये खूब है, एक तो यहाँ पे हर बात को ये कह के टाल दिया जाता है कि ये अमेरिका नहीं है। अच्छा खैर छोड़ो, तुमने मेरे साथ चलना है। हम प्लीज कोई और कंसल्टेंसी फर्म ढूंढ लेते हैं। क्या बात कर रही हो, ये फरहान और अजमल ऐसे किसी का केस ले लेते हैं? वो तो अजमल से मेरी इतनी पुरानी ताल्लुकात हैं, वो मान गए हमारे साथ डील करने को। अच्छा तो इसका मतलब हमारा ही पैसा और हम ही को मियां? हाँ कैसे समझाऊं तुम्हें, वैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहती थी। Thank you.
क्या बात है, तबीयत ठीक है? थकी थकी लग रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये अगर मान जाओगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, जरूरी नहीं कि हर बात की तर्दीद की जाए। अच्छा, आज अंदर बाहर बहुत करना पड़ा, घर के काम खत्म ही नहीं होते। खत्म कैसे होगा, ऑर्गेनाइज लोगों का काम खत्म होता है, और वो तो खैर। मतलब? कोई मतलब नहीं है, तुम नहीं समझोगी। अच्छा वो, इससे पहले कि भूल जाऊं, वो ड्राइवर का बंदोबस्त कर लिया है मैंने, ताकि लड़कियों को आने जाने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? आजकल के हालात ऐसे हैं, मैं लड़कियों को अकेले ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकती। ये नहीं सोचा मैंने। अगर आप इजाजत दें तो मैं ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लूं। अगर मुझे ड्राइविंग आ जाएगी तो आपकी काफी टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ, हर्ज तो कोई नहीं है इस बात में, ये अच्छा ही है, लेकिन तुम देख लो, सड़क पे गाड़ी चलाना कोई आसान काम नहीं है। ट्रैफिक होती है, जल्दी फैसला लेना पड़ता है, और तुम्हें जानते हुए कि फैसला नहीं, मैं अपनी बच्चियों की जान किसी खतरे में नहीं डालना चाहता तुम्हारी ड्राइविंग के चक्कर में। लीव इट, कोई और बंदोबस्त करता हूँ। ठीक है। मैं खदीजा को देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अरे वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ये बात है यार, आज सुबह सुबह अपनी शहजादियों से मुलाकात होगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बाबा आप रोज ही इतनी जल्दी चले जाते। जी नहीं जनाब, मैं नहीं जल्दी चले जाता, आप देर से उठती हैं। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो, आज बाबा ड्रॉप करेंगे। मामा मेरा नाश्ता तो हो गया, इस आशा मोटी को बोलें कि जरा जल्दी खाए। बाबा देखिए आप इसको। अरे गॉड सेक, इसको मोटी तो नहीं हो, ये तो ग्रोइंग बच्चा है, ग्रोइंग बच्चा, वेट पुट ऑन कर लेता थोड़ा सा, अभी ठीक हो जाएगी चंद दिनों में, है ना? शाम तक ठीक हो जाओगी ना? हाँ। खदीजा ठीक से नाश्ता करो, ये क्या तरीका है, सारा दिन भूखी रहती हो, फिर ये हालत बन गई। आपको नहीं पता मामा, इसको मॉडल बनना है ना, इसीलिए कुछ नहीं खाता। ओफो आशा तुम तो चुप करो। नहीं मामा मुझे सुबह सुबह इतनी ज्यादा भूख नहीं लगती है, जब लगती है तो मैं कुछ खा लेती हूँ यूनिवर्सिटी। चलो हरी आप हरी आप। तो फरहान क्या कहता है? यार कहना क्या है, तुम्हें तो पता है असूलों का पक्का आदमी है, लेकिन अबीरा ने उसके सारे असूल ही तोड़ डाले। तब मान जाएगा? नहीं मान जाएगा, बल्कि मान तो गया है, लेकिन यार तुम अबीरा को जरा समझाओ। ये मेरी अकेला से बात भी हो गई इस बारे में, उसने अबीरा को काफी डिटेल में समझाया, आई एम श्योर अब वो ऐसी बचकाना हरकत नहीं करेगी। गुड फॉर हर, आई होप सो। वैसे ये फरहान तुम्हारे साथ स्कूल के टाइम से है, ये बताओ इतना सब मिजाज क्यों है ये? यार इसकी कई वजूहत हैं, नहायत कम उम्र में वाले साहब का इंतकाल कर जाना, दो बहनें, बीमार माँ, और वाले साहब कारोबार भी मामूली सा छोड़ के गए थे, और फिर ऊपर से अपने एक मरहूम दोस्त की बेटी के साथ फरहान की शादी भी करा गए। बस इन्हीं हालात और जिम्मेदारियों में फरहान की शख्सियत कुछ इस तरह से दब गई कि वो जो कॉलेज के ज़माने का एक मिलनसार, खुश मिजाज और जिंदा दिल फरहान था, वो बीच में कहीं खो गया यार।
यार वैसे है बहुत ज़हीन आदमी। बहुत से कहीं ज़्यादा ज़हीन है और उससे कहीं ज़्यादा ईमानदार भी। इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि उसके अप्रूव कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने पैसे लगाओ और फिर बेफिक्र हो जाओ। सही कह रहे हो तुम। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं मार्क करके दे रहा हूँ, आप इसको घर ले जाइए, अच्छी तरह स्टडी कर लीजिए, कोई बात जो आपकी समझ में आती है उस पर फिर हम फर्दर बैठ के डिस्कशन कर लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा प्लान चाहिए जिसमें रिस्क बिल्कुल जीरो। बिजनेस है, बिजनेस में रिस्क का एलिमेंट तो होता ही है, और अगर आपको ये बात मुनासिब नहीं लगती तो आप अपने सारे पैसे उठाइए, किसी बैंक में ले जाकर जमा करवा दीजिए और घर बैठ के सूद खाइए, जो कि बहुत से लोग खाते हैं। लेकिन आपने कभी इस रिस्क फैक्टर को मिनिमम लेवल तक रिड्यूस करने के बारे में नहीं सोचा? सोचा तो जा सकता है, अगर लॉजिकली बात मुनासिब है तो किसी भी हद तक सोचा जा सकता है, लेकिन मैं खुदा नहीं हूं जी, अपने जहन के मुताबिक सिर्फ एक अच्छा प्लान ही बना सकता हूं। कल का किसी को यकीन नहीं है कि क्या होना है, नोबडी नोज। ओके, लेकिन आपके यहां अपने मेहमानों को रिफ्रेशमेंट देने का कोई रिवाज नहीं है? आई मीन चाय या कॉफी? चाय या कॉफी? आप कॉफी? हाँ जल्दी से कॉफी भिजवाओ, जल्दी, खुदा का वास्ता देर मत करना। ओके सर। ऐसे तो सिर्फ जहर ही पिया जा सकता है, कॉफी नहीं। जी सर। हाँ कैंसिल कर दो कॉफी। मैंने तो सर, मैं कह रहा हूँ कैंसिल कर दो। जी सर। जी आप अच्छी तरह इसको स्टडी कर लीजिए, फिर मुझे बता दीजिएगा। यानी मैं अब जाऊं? मेरे ख्याल में मुनासिब तो यही है। ओके। सी यू। हाँ इंशाल्लाह। सॉरी, वो एक्चुअली मैं, आप उल्टा चल रही थी, मुझे देखना चाहिए था। नहीं, इस दफा गलती उल्टे चलने वाले की है, इसलिए आई अपोलोजाइज। कोशिश कीजिएगा कि आइंदा सीधा मुंह करके चले, वरना वरना क्या? वरना गिर जाएंगी या और क्या? मैं उल्टा चलूं या सीधा, किरता हमेशा मुझसे टकराने वाला ही है। देखिए बीबी, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाए और कोई उठाने वाले ना हो। संभाला तो आपने पहले भी नहीं था। है छोड़े, आपको पता है आप बहुत बोरिंग आदमी हैं। एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए लंबी चौड़ी पहेली वाली बात तो है नहीं, मेरी प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट होती हैं। अगर इतनी ही सॉलिड होती है आपकी प्रेडिक्शंस, तो फिर आप मेरे पास काम के लिए क्यों आई? खुद ही अपने लिए कुछ प्लान कर लेती आप? I don't know, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी हेल्प की जरूरत है। I'm sorry, I don't need your help. Of course you do. इतनी बोरिंग लाइफ है आपकी, और मुझे तो इसकी वजह आपकी बीवी लगती है।